हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और सुपर टेस्टी वेज चाउमीन की रेसिपी। इसे मैं आज बिल्कुल फ्लेवरफुल मार्केट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। नूडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करना होता है, जिसके लिए मैंने गैस पे एक बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रखा है। तो इस पानी में डालना है एक छोटी चम्मच नमक, जिससे कि नूडल्स उसको एब्जॉर्ब कर ले। नूडल्स ऐसे बहुत फीकी फीकी होती है। और एक चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे, जिससे नूडल्स खिली खिली हो। और एक प्लेट से हम इसे कवर कर देंगे कि जिससे जल्दी पानी में बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आ गई है, अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। इसे हमें 3-4 मिनट के लिए ही उबालना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। इसकी कुकिंग 80% ही होनी चाहिए, जिससे कि हम इसे फिर भी वेज के साथ जब फ्राई करेंगे उसमें इसकी कुकिंग पूरी होगी। अब नूडल्स की कुकिंग हो चुकी है, ये लगभग 80% पक चुकी है। अब हम इसे एक छन्नी पे निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे इसकी कुकिंग यहीं पे स्टॉप हो जाए और ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो। पानी से धो लेने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे एक प्लेट पे फैला देंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम एक पैन को गरम करेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गई है, अब हम इसमें 4-5 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और बारीक कटी हुई 7-8 लहसुन की कलियां डालेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसे हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम 1 बड़े साइज का प्याज कट करके डालेंगे। प्याज को हम 1-2 बार चला के इसके बाद हम इसमें गाजर को डालेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की और भी जो भी सब्जियां आपको ऐड करनी हो। और आप कोशिश करें कि सब्जियां सब एक ही शेप में कट करें, जिससे कि सब्जियां को कुक होने में भी अच्छी होगी और चाउमीन देखने में भी अच्छी लगेगी। और इसी समय हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, लेकिन हमें नमक डालने में ध्यान रखना है कि हमने नूडल्स को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे नूडल्स में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि चाउमीन में सब्जियाँ क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अब हम इसमें नूडल्स को डालेंगे। नूडल्स डालने के बाद इसमें हम सारे सॉस डालेंगे। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर और 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। अब सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पूरे प्रोसेस में हमें फ्लेम को हाई रखना है, जिससे चाउमीन अच्छी बनके तैयार होती है। अब हमारी चाउमीन बनके तैयार है, देखिए कितनी टेम्प्टिंग दिख रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी चाउमीन कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर बना के ट्राई करें। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नई नई रेसिपी के साथ एंजॉय करें। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।